नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं आज के अपने स्टॉक्स परसेंट का रिटर्न। अगर वहीं बात करें 2 साल में 475% का रिटर्न, 3 साल की बात करें तो 466% का रिटर्न, 4 साल में 480% का रिटर्न, 5 साल में 315% का रिटर्न, लेकिन 10 साल का रिटर्न अभी भी माइनस में है। लेकिन जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ आ रही थी तो ये उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर अचानक से इसमें गिरावट आई और अब देखिए 6 महीने में ये शेयर लगभग 50% करेक्ट हो चुका है। तो क्या इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, और एक शेयर है कौन जो 1 साल में आपको 500% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है, तो देख लेते हैं दोस्तों ये शेयर कौन सा है। तो मैं बात कर रहा आलो इंडस्ट्री के बारे में। अगर इस शेयर की आज के डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे 20 रुपये 90 पैसे पिछले में ये शेयर चल रहा है, लेकिन 50 रुपये हाई की बात करें तो आप देखेंगे 58 रुपये 50 पैसे, जो कि 3 जुलाई को बनाया था, और उस टाइम ये शेयर 600% तक का रिटर्न दे रहा था। आप मार्च से अभी तक का कंपेयर, अगर अप्रैल से अभी तक का कंपेयर करते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया था इस शेयर ने। अगर इनके डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 53.25% की डिलीवरी उठाई गई है, 34,48,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। तो क्या इस शेयर में खरीदारी कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म पर्पज़ है तो खरीदारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंस्टॉलमेंट 4 बनाने हैं आपको अपने कैपिटल के, और अभी पहला इंस्टॉलमेंट लगा देना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा। अगर करेक्ट भी होता है तो 15 से 16 रुपए के नीचे नहीं जाने वाला, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट भले से कैसा भी आया हो लेकिन जिस हिसाब से इसमें करेक्शन आ रहा है, लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता 15 से 16 रुपए के नीचे जाएगा। अगर ये शेयर उसके नीचे जाता है तो फिर ये 12 रुपए 10 रुपए तक भी जा सकता है अगर उसके नीचे जाता है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर ये शेयर फिर से 25 रुपये 26 रुपये तक का टारगेट, पहला टारगेट टच करेगा, और उसके बाद इसमें फिर से 32 रुपये का नेक्स्ट टारगेट देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये टारगेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो भी टारगेट्स आप बताते जाते हैं उनको आप याद कर लें या फिर कहीं नोट कर लें, ताकि जब भी ये लेवल टच होगा यानी 15-16 रुपये जैसे ही जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अब खरीदारी का मौका आ चुका है। क्योंकि अगर ये शेयर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 20-22 रुपये तक जाएगा, 25 रुपये तक जाएगा, तो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, हालांकि पैनी शेयर है, लेकिन दोस्तों जब बाउंस बैक करते हैं तो 20% 10% एक दिन में बना देते हैं और जल्दी ये लेवल टच कर जाते हैं। तो इसीलिए इन लेवल्स को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो लेवल्स को जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों, जिस हिसाब से इसका बैकग्राउंड रहा है, आपने देखा COVID-19 के कारण ये शेयर काफ़ी तेज़ी से, यानी जो एप्रोन इन्हें बनाना स्टार्ट किया उसमें इन्हें काफ़ी फायदा हुआ, तो अब ये सोचेंगे कि अब तो वैक्सीन आ गया तो अब इनके एप्रोन वाली बिजनेस खत्म हो जाएगी? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फार्मा में हमेशा एप्रोन की जरूरत पड़ती ही है। ऑपरेशन थिएटर में आप देखेंगे वहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो जरूरत कभी नहीं खत्म होने वाली होती है। इसीलिए अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से सोच के इन्वेस्ट करेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा होगा और 1000% तक का भी आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आप 5 से 10% से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए लक बाई चांस आपको 50% या 100% का रिटर्न हो गया, बट सिर्फ 100%, और कहाँ 1000%, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसीलिए लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन्वेस्ट करिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।